नमस्कार टासी प्ले फेप्लो खम्री असलामुअलैकुम। आज ईद ईद 25 मई 2020। सो नर्मली चाहे हाई मस्जिद में गए सबजा ओल बांस में सेलिब्रेट करने टुडे इज द अब ब्रेकिंग अफ फास्ट भाई फास्ट ब्रेकिंग करने डे हो एंड रामदान फास्टिंग अब ब्रेक करने डे अब तस्त भाई मैं डल्ले डिटेल्स याद छेन मेरे साथी लाइक डल्ले डिटेल्स दिने लाइक व्हाट इज ईद उल फितर। सो इसको कंटिन्यू भिडियो लास्टसम्म हेर्नु पर्छ है लाइक कस्तो के हो भनेर एंड इसमें सबैजनाले सेलिब्रेट गर्ने छ मेसेज दिने छ सो जति नि अब आउने क्लिपहरु देख्नुहुन्छ सबैजना मेरो साथीहरु हो है एंड वन्स अगेन ईद मुबारक दाफिस टासी दिले फ्याकुलो खाम्री एंड अस्सलाम यो हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल माय नेम इज रौनक खान आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल टुडे आई एम हियर टू विश यू गाइस अ वेरी वेरी हैप्पी ईद मुबारक। एज यू ऑल नो दैट ईद इज अ फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट इट्स बीन वन मंथ दैट वी आर फास्टिंग एंड टुडे इज द डे ऑफ सेलिब्रेशन। As we all know that we are going through such a pandemic that it's very hard to believe. And I think this year we're going to celebrate the Eid in a very different way. And by staying at home with your loved one, with your family, and I request you guys, please stay at home and pray. Please don't go out. Stay with your loved ones. Stay with your family. They're very important to you. This year, we won't be able to buy new clothes. We won't be able to go to our relatives' home. But it's okay. Do some charity. Help the one who is in need of help. And I think this is the best way to celebrate your Eid. Please stay at home. Take care of your family. Take care of your loved ones. Take care of yourself. Take care of your country. Spread love and peace. And once again, Eid Mubarak to each and every one of you. Stay blessed. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. मेरा नाम साजिद है और मैं इंडिया का रहने वाला हूँ लेकिन 2 साल से दुबई में हूँ। मेरी तरफ से जितने भी इंडियन फैमिली है सबको ईद मुबारक। और हाँ, इस बार ना हम मस्जिद जा पाए, ना ईद का नमाज वहाँ पढ़ पाए, ना किसी को अपने घर बुला के मीठी मीठी सेवैयाँ ना खिला पाए। हाँ, दुख तो होता है, दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते, इसमें सब हम एक साथ फंसे हैं। और मैं अपने जितने मुसलमान भाई हैं सबको मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने घर पर रह के ईद की नमाज की और बाहर ना जाकर बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। तो यही है कि बुरा वक्त चल रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, जल चला जाएगा ये भी। शुक्रिया, घर पर रहिए, सेफ रहिए, खुदा हाफिज़। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि आज इंडिया में ईद की नमाज पढ़ी गई है, तो मैं अपने तरफ से और सारे हिंदुस्तानियों की तरफ से दुनिया के सारे मखलूकात को ईद की बहुत 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 शुभकामनाएं पेश करता हूं। मैं आपके साथ नदीम अख्तर, जो पेशे से एक जूनियर एडवोकेट हूँ, कुछ एक्सपीरियंसेस जो पिछले एक महीने से हम देखते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। पिछले एक महीना इसलिए कि हमारा पाक रमज़ान महीना एक महीने का जो गुजर गया कल, तो ऐसे वक्त पे क्या क्या सिचुएशंस हमने फेस किए, अच्छे सिचुएशंस, बुरे सिचुएशंस इसलिए नहीं कि यहाँ पे कुछ वैसा सिचुएशंस मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ जो कि आप सबको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, लोग किस हाल में जी रहे हैं, लोग किस हाल में मर रहे हैं। तो बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं, मैं यहाँ पे बस अच्छी बातें करना चाहता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी लाना चाहता हूँ, तो मेरा मकसद यही है। बहरहाल
माशाल्लाह ईद हमारी अच्छी गुजरी, वैसा कुछ ग्रांड तो हुआ नहीं, बट घर पे ही रहे, घर पे नमाज पढ़े और अपना खीर कोरमा और बिरयानी चला अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस मेरे जो शेयर करना चाहता हूँ, उसमें सबसे आला मकाम पे है मेरी एक्सपीरियंस के अपने वालिद वालिदा अपने परिवार को वक्त देना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिद को अपने वालदा को अपने परिवार को अच्छा खासा टाइम दिया इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि एक लंबा अरसा मेरा बाहर ही गुजरा है पढ़ाई के मामला को लेकर। मैं स्टडी करता था तो बाहर से किया हूँ, मैं अपने होम टाउन से नहीं किया हूँ, तो इस माहौल में मैं अपने वक्त नहीं दे पाया, अपना ज़्यादा वक्त अपने परिवार को, अपने परिवार के लोगों को। तो इस लॉकडाउन के चलते वक्त पे वक्त अच्छा खासा गुजारना पड़ा घर पे ही, घर पे घुस के। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को कुछ ज़्यादा डीपली समझने लगे हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि ज़िंदगी में पहली बार सारे मुकम्मल रोज़ा किया हमने, मीन्स सारे रोज़े 30 के 30 रोज़े रखा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज वक्ती नमाज पूरे पाबंदी के साथ पढ़ा, और इससे पहले भी मैं तरावी का नमाज पढ़ा हूँ, बस मैंने तरावी का नमाज पढ़ा है। और ये घर पे रहेंगे सेफ रहेंगे और अपने परिवार को भी सेफ रखेंगे, अपने देश को भी सेफ रखेंगे, इंशाल्लाह पूरे इंसानियत को सेफ रखेंगे। बस मेरे तरफ से इतना ही था, अल्लाह हाफिज। Assalamualaikum to everyone and a very happy Eid to all. So guys, today was Eid and like everyone know, due to this pandemic situation, we are celebrating our Eid in our home. So I would like to say that जितने भी ईद हम लोग इतने साल मनाए, तो उन ईदों से मतलब ये वाली ईद, I will say that it was the best in my life till death. Assalamu alaikum, namaste and sastikal. It's me Haider Ali, I'm from Rampur, Sikkim, and today I'm here to wish you all, my near one and dear one, a very very happy Eid Mubarak. As you all know, Eid is a festival for breaking the fast, and it's been 1 month we are fasting, and today is the day of celebration. As you all aware about current situation, such a pandemic, which is very hard to believe. And I think this year the celebration of Eid will be in a very different way, by staying at home with your family, with a loved one. And I request you all, please stay home and don't go out, because your family and your loved one are the most important part of your life. We all know this year we won't be able to buy new clothes, we won't be able to go relatives home also, but it's okay. Instead of buying new clothes, just help the underprivileged one, help the one who is in need of help. I think this is the best way to celebrate Eid. Please stay at home, take care of your family, take care of your loved one, take care of yourself, take care of your state and take care of your country, and please 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 spread love and peace. At last, wanna wish you all a very very happy Eid Mubarak once again. Assalamu alaikum. Forget to wear masks and yes, do subscribe Amit Manche. Don't forget to wash your hands and yes, do subscribe Amit Manchi.